संजुक्ता विश्वाल कौटु आ बालेश्वर जगन्नाथ दर्शन आसी दर्शन सरला ना ना आम पूरी रोच पूरी रोच बाणुआ गले प्रत्येक दिन आम दर्शन करने को आस पुरी रे रहुचंती कोन माने बालेश्वर आसे पुरी रे रहु हां एठी घर भडा नेकी रहुचे जाउ श्रीक्षेत्र रे रहिबा पई कि काई चिंता कले इच्छा कले काई प्रथम कथा आमे जत्ते बेले पुरी प्राय आसे आसला बेले मन दुख करके जाय जे एमिति पुरी लोक भाग्यवान सब बेले ठाकुर पाख रहिचंती तू मते सेमिति किछि गुटे करंतु मु एठी आसके आपन पाख रहिबि एमिति बे आपन लीला कले ठाकुर मु आसिकी पुरी रे 2 वर्ष हला रहिलेनि आउ सेटा मोर बहुत भाग्य भगवान पाखर रही डेली ठाकुर को देखुचु आउ मोर किछि बड़ किछि नै से ता प्रभु पाखे प्रार्थना करथिले अन्य माने श्रीक्षेत्र जो माने अछंति बड़ भाग्यवान आपण भी क्षेत्र में रहिबा पई जो प्रभु को प्रार्थना कले कौन देखिले क्षेत्र में केवल दर्शन प्रत्येक दिन करिवे बोली ये भावना रखिले ना ये अभिलाष रखिले ना आउ कौन ना प्रत्येक दिन भगवान मुझे देखी से मत देखिए यहाँ ही मोर प्रथम लक्ष्य थिला से पूरी भग रही मोर बहुत इच्छा थिला भगवान से कले पाखे मुझे 2 वर्ष है रही 2 वर्ष भितर प्रत्येक दिन मंदिर आसती ना महाप्रभु जब डाकते आस ना प्रत्येक दिन मुझे पत्रप दर्शन करे यहाँ निश्चित तो आज जो मंदिर जाए से मंदिर ठाकुर भितर बेटा दर्शन करके आसे प्रत्येक दिन आसे प्रत्येक दिन पतित पावन दर्शन पतित पावन दर्शन कले सी तो जगन्नाथ भली देखा जा प्रत्येक दिन मुझे देखे मंदिर दुख सुख सब पाखे जाए भितर बढ़ाक भी जाए अनुभूति भी बहुत किसी अनुभूति अच्छी अनुभूति कौन अच्छी आग कहतुता जगन्नाथ सहित भक्तिर संपर्क आम कह प्रथम अनुभूति मोर आर वर्ष एकादशी दिन बड़ एकादशी से दिन ठाकुर रथरे था प्रत्येक दिन 5टा कि 6टा भितर डेली खाए कि न खाइले मो मुंड कौन हम बिंधाबिंधी हम रही पारे से दिन एकादशी थाए मु प्रभु को आग दिन डाकिकी गली प्रभु मु तो उपवास रही पारे तुम जाच तेणु मु काली उपवास करमी मोर इच्छा जे मु निर्जल एकादशी करमी तुम्हें जदि चाहब तो करमी तुम्हें जदि न चाहब तो मुझे खाईदेवि मु सब आनी फलमूल आमे जमी चाहब सी फल काली पर्यंत थी से डाकिकी आग दिन एठी सिंह द्वार मोर गली तापर दिन सका राति पाइला और रात उठी गाधे पाधे भूक जमा टिके भी लगलानी यहाँ मोर बहुत बड़ अनुभूति टिके दिन सारा गला मुझे रहा कथा रही पानी ठुपे भी खाइल ना आसनी मंदिर गनी एकादशी माँ को दर्शन कनी तुलसी पत्र आनी थाए नुगा कान बांधि था एमती राति भी है राति 11टा बेले से तुलसी पत्र खाइली सका राति कटिगला भलर निद होगा सका उठिन ठाकुर दर्शन कनी राति सका 10टा बेले मुझे खाइनी यही मोर प्रथम अनुभूति ठाकुर उपवास दिन सारा रहीगले मोर किसी भी है वास्तव में महाप्रभु को जहाँ कहे महाप्रभु पूरण करती ये भक्ता जनक कहले जदि न खाऊँ विभिन्न प्रकार समस्या देखा जाए शरीर मध्य किंतु मन भितर मनर बल कह भाव कह भक्ति कह निर्जला एकादशी व्रत करने महाप्रभु को जनइले गोटे तुलसी पत्र सारा दिन से उपवास रही कौन सी प्रकार समस्या हैनी एकादशी माँ को दर्शन कर हाँ ये बड़ अनुभूति द्वितीय अनुभूति बापा देह मोर भल ना आज की तीन मस हो बालेश्वर आम घर बालेश्वर हस्पिटाल कटक भुवनेश्वर सोम हस्पिटाल आमको फेरेदेला से जोबले फेरेदे मो बापा को लेकिन गली कांदी कांदी गली प्रभु मो बापा को रक्षा कर जे बाटे ने बाट देखाओ तब से गोटे एमती जन पाखु फोन कली कि सी कहले गोटे ठाकुराणी पाखी तुम नहीं जाओ से ठाकुराणी तुम स्टोन बाहर करदे स्टोन ठाकुर पाखी गलार सी भल करदे आसला पुणी पा जमी गला बापा कहले मोर पुरी शेष इच्छा अच्छी ठाकुर दर्शन करमी सेतबेले ठाकुर थांती आड़ब मंडपर बापा को चली पार ना पेटर पा जमी थाए धरी धरिक नहींक आसलु आसला बापा ये शुले बड़दाण में शुला भल लगे आड़ब मंडप गलु आड़ब मंडपर अभड़ा खाइलु टंक तोराणी पीलु तापर बापा कहले मत बहुत भल लगुच ठाकुर दर्शन कलापर मु हस्पिटाल जीमी मो बापा हस्पिटाल जाओ आउ थ पेटर पा जमी बाहर करदे बापा तपुर हस्पिटाल गले बापा ठाकुर दया एत भल जे बापा अटो चलैले माने ठाकुर पाखे आम समर्पण करदेलु बापा को समर्पण कर बापा पूरा भल एवं संपूर्ण भल तेणु यहाँ मोर बड़ अनुभूति बापा रिसेंट आज 20 दिन है बापा अटो चलैले आठ रु बड़ अनुभूति किसी ना प्रथम आपन को पुणी थे कोटि प्रणाम जनइबी आपणकर भल पाइबा जय जगन्नाथ टीवी पक्षर गोटे पुस्तक प्रदान करी जय जगन्नाथ।